रोजगार दो मुहिम के तहत युवा कांग्रेस ने एक बैठक की तथा घर घर जाकर युवाओं को रोजगार के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र कुमार भुल्लर व कुमाऊं प्रभारी प्रदीप सूर्या ने बागेश्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश पहले से ही बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा था। कोरोना महामारी के उपरांत देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है तथा केंद्र और राज्य सरकार अब लाचार नजर आ रही है। बेरोजगारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। युवा कांग्रेस ने कहा कि युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए एक वृहद आंदोलन संचालित किया जाएगा। हम लोग प्रदेश भर में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, पदाधिकारियों से बात संवाद स्थापित कर रहे हैं, और जो इस समय सबसे बड़ी समस्याएं हैं देश में, जैसे रोजगार की मुहिम, बेरोजगारी चरम पर है, तो हम लोगों ने एक रोजगार दो मुहिम शुरू करी है, जिसके मुहिम के माध्यम से हम युवाओं के पास जा रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, सरकार से मांग करने का काम कर रहे हैं कि जल्द ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि कोरोना संकट में आम लोगों का जीवन यापन बड़ा संकट में है, आम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। इन सब परेशानियों का सामना इस समय एक आम हिंदुस्तानी, एक आम उत्तराखंडी कर रहा है, तो इन परेशानियों के निदान के लिए हम एक मुहिम रोजगार दो के नाम से शुरू हमने की है, जिस मुहिम को प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक ब्लॉक तक पहुंचाने के लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं और जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। आज हमारे कुमाऊं प्रभारी प्रदीप सूर्या जी और प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी के बागेश्वर आगमन पर ये बैठक पार्टी कार्यालय में रखी गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी यूथ कांग्रेस की जो मुहिम चल रही है रोजगार दो मुहिम, इस मुहिम को हम कैसे ब्लॉक स्तर से लेके ग्राम स्तर से लेके मतलब पूरे जिले स्तर तक हमने ये मुहिम चलानी है, इसी उद्देश्य से आज हमने ये बैठक रखी है। और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है उनके माध्यम से हम हर गांव और हर क्षेत्र में कि जो सरकार जो अभी जो जितने भी प्रवासी भाई हमारे जो घर आए हैं क्या उन्हें रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उन्हें रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, इसी संबंध के उसमें हमने आज ये बैठक रखी है। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।